नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी शिक्षक हैं, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चों से हम दिन प्रतिदिन अंतःक्रिया करते हैं। वे बच्चे विभिन्न आयु वर्गों के होते हैं। यद्यपि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे आते हैं वह 6 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं और वह आयु उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है, परंतु वे उस आयु तक आयु की कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरे होते हैं और एक शिक्षक के लिए उन बच्चों के व्यवहार को, उनकी इच्छाओं को, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी रुचियों को समझने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि इससे पहले उनके विकास की क्या अवस्था रही है, किस प्रकार से उनका विकास हुआ है। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था है। आज की इस परिचर्चा में हम प्रारंभिक बाल्यावस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। जब हम विकास की अवस्थाओं को वर्गीकृत करते हैं तो हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को विभिन्न हिस्सों में बांटा है। जैसे जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है, उसके उपरांत 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम आरंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, जिसकी बात हम इस सत्र में करने वाले हैं। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। अधिकांश बच्चे जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों में आते हैं वे इसी आयु वर्ग के होते हैं और 12 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु किशोरावस्था होती है और उसके बाद प्रौढ़ावस्था प्रारंभ हो जाती है। हमारा पूरा ध्यान आज की चर्चा में आरंभिक बाल्यावस्था पर रहेगा। आरंभिक बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था जो है वो शैशवावस्था के तुरंत बाद प्रारंभ होती है, अर्थात 2 वर्ष तक का बच्चा, जिसको हम शिशु अवस्था या शैशवावस्था कहते हैं, उसके बाद की जो अवस्था है वह आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। एक शिक्षक की दृष्टि से, एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से, एक लालन पालनकर्ता की दृष्टि से इस अवस्था के लक्षणों को जानना, इस अवस्था में होने वाले विभिन्न प्रकार के विकासों को जानना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग इसको प्राक विद्यालय अवस्था या प्राक टोली अवस्था भी कहते हैं। प्राक विद्यालय अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था की समाप्ति पर या इसके अंतिम चरण में जब बालक होता है तब वो हमारे विद्यालय में आता है। तो विद्यालय से पूर्व के आने की तैयारी यह प्राक विद्यालय अवस्था कहलाती है। इसको प्राक इसीलिए कहते हैं, प्री स्कूल एज। ये प्री स्कूल एज इसीलिए है क्योंकि इस एज में, इस आयु में बच्चा विद्यालय आने के लिए तैयार किया जाता है। उसकी मानसिक अवस्था, उसका शारीरिक विकास, विद्यालय आने के लिए उसको तैयार करना, ये इस अवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। इसको कुछ लोग प्राक टोली अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इस आयु में बच्चा केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता। जैसे शैशवावस्था में बच्चा या तो स्वयं खेलता है या परिवार के सदस्यों के साथ खेलता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा आरंभिक बाल्यावस्था की ओर आता है शैशवावस्था से, वह परिवार की सीमाओं से थोड़ा आगे जाता है, वो पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ होता है। तो धीरे धीरे जो समूह में बच्चों को खेलना, समूह में काम करना, वह टोली अवस्था है। लेकिन टोली अवस्था के लिए, क्योंकि जब वो विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन सारे बच्चों के साथ वो खेलता है, उन सारे बच्चों के साथ वो अध्ययन करता है, उन सारे बच्चों के साथ वो भोजन करता है, सारे बच्चों के साथ सारी चीज़ें बांटता है। तो उस टोली अवस्था के लिए बच्चे का तैयार होना ये आरंभिक बाल्यावस्था में होता है, इसलिए आरंभिक बाल्यावस्था को हम प्राक टोली अवस्था भी कहते हैं। हम सब ने पियाजे के बारे में सुना है। पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास की अवस्थाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया। उसमें से जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो प्राक परिचालन अवस्था है, वह इसी अवस्था को पियाजे ने कहा है। पियाजे ने आरंभिक बाल्यावस्था को प्राक परिचालन अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि बच्चा ऑपरेशनलाइज अपने बिहेवियर को लेटर स्टेज में, बाद की अवस्था में करता है, जिसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी। इसीलिए आप देखिए, आरंभिक बाल्यावस्था देखा जाए तो सामाजिक जीवन के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए तैयारी की अवस्था है। चाहे हम इसे प्राक विद्यालय अवस्था के तौर पर लें, चाहे प्राक टोली अवस्था के तौर पर लें, चाहे प्राक परिचालन अवस्था के तौर पर लें, किसी भी स्थिति में यह अवस्था प्राक अवस्था ही
कहलाती है। एक और इस अवस्था में देखा गया है कि इस उसमें बच्चे जिद्दी होते हैं। जिद्दी होना इस उम्र में बच्चों का एक प्रमुख लक्षण है। कोई बच्चा कम जिद्दी हो सकता है, कोई बच्चा ज़्यादा जिद्दी हो सकता है, लेकिन 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा जिद्दी होता है और विरोधात्मक होता है। विरोधात्मक का अर्थ, यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो तो उसके पास जो भी उपकरण है विरोध दर्ज करने के, उन सारे उपकरणों का प्रयोग करता है। यदि वो रो सकता है तो वो रोकर विरोध करता है, यदि वो शोर मचा सकता है तो वो शोर मचाकर विरोध करता है, यदि वो कहीं जाकर छुप सकता है तो वो उस जगह जाकर छुप कर विरोध करता है, क्योंकि उसके सामने हर एक चीज़ नई आ रही होती है। जब भी उसके सामने नई चीज़ें आती हैं तो कुछ चीज़ें उसको पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें उसको पसंद नहीं आती हैं। जिन चीज़ें उसको पसंद नहीं आती हैं उन चीज़ों का वो सीधा विरोध करना जानता है। अक्सर कहा जाता है कि आरंभिक बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो उसका व्यवहार या तो हाँ वाला होता है या ना वाला होता है। उसे या तो कोई चीज़ पसंद होती है या कोई चीज़ पसंद नहीं होती है। कम पसंद, ज़्यादा पसंद, अधिक पसंद, ये जो धारणाएँ हैं ये बाद की आयु में जन्म लेती हैं। ये आरंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के पास इस तरह की धारणाएं होती नहीं हैं। आपने भोजन को, उन्हें कुछ खाने को दिया, यदि उन्हें पसंद है तो खाएंगे, नहीं पसंद है तो नहीं खाएंगे। आप उनसे ये नहीं कह सकते थोड़ा खा लीजिए, जो नहीं पसंद है वो भी थोड़ा खाना चाहिए। ये समझ अभी विकसित नहीं हुई होती है, इसीलिए वो निषेधवादी भी होते हैं। यदि आप उनको किसी चीज़ को रोकें तो वो रुकना पसंद नहीं करते। अब उनको कोई काम करने से आप रोकें, उनको समझ नहीं आता उनको क्यों रोका जा रहा है, उनकी संज्ञानात्मक विकास उस स्तर का हुआ नहीं होता, इसलिए अक्सर उनको विरोध और निषेध होना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस आयु के बच्चे जिद्दी, विरोधात्मक और निषेधवादी भी होते हैं। एक और इसका लक्षण है कि इस अवस्था को बहुत सारे लोग समस्या अवस्था कहते हैं। इसको समस्या अवस्था हम क्यों कहते हैं? समस्या अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा प्रतिदिन नए नए अनुभव करता है और नए नए अनुभवों में उसको एक नई समस्या जन्म लेती दिखाई देती है जिसका समाधान उसके सामने नहीं होता, और वह चाहता है कि इस समस्या का समाधान आप करें, आपका अर्थात माता पिता करें, या यदि वो प्राथमिक प्री स्कूल एजुकेशन के किसी संस्था में जा रहा है तो वहाँ पर जो शिक्षक हैं या जो सहायक हैं वो उसकी समस्या का समाधान करें। लेकिन समस्याएं आती हैं इस आयु में, समस्याएं बच्चे के समक्ष आती हैं, लेकिन बच्चा समस्याएं उत्पन्न नहीं करता। बच्चा प्रत्येक नए आने वाले अनुभव को यदि ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता तो उसको समस्या के रूप में लेता है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण है इस आयु का, इस आयु में बच्चों की रुचि खिलौनों में अधिक होती है। आपने देखा होगा घरों में भी जो 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं, चूंकि 2 से 6 साल के बच्चों को खेलने के अवसर घर में अधिक मिलते हैं, घर के बाहर कम मिलते हैं, क्योंकि हम घर के बाहर बच्चों को या तो अपनी निगरानी में लेकर जाते हैं या उसी आयु वर्ग के बच्चे यदि कहीं खेल रहे हो किसी सुरक्षित स्थान पर, तब भी हम निश्चित समय के लिए ही उनको वहाँ जाना निर्धारित करते हैं कि हाँ ठीक है ये थोड़ी देर खेल लेंगे, माता पिता बाग में टहल लेंगे, गार्डन में टहल लेंगे, बच्चे वहीं सामने खेल लेंगे। लेकिन बच्चे अधिक समय कहाँ खेलते हैं? घर में खेलते हैं, क्योंकि इस आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते। तो जब वो घर में खेलते हैं तो घर में खेलने का उपकरण क्या है? माता पिता के अलावा उनके पास खेलने का जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो खिलौने हैं। ये महत्वपूर्ण शिक्षा की दृष्टि से भी है। हम कैसे खिलौने बच्चों को देते हैं, बच्चे कैसे खिलौने मांगते हैं उनकी मांग है, लेकिन माता पिता बच्चों को कैसे खिलौने देते हैं या उनके सामाजिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे एक सामान्य प्रचलन है कि यदि घर में बच्ची है तो आप देखेंगे बहुत सारी बच्चियों को अक्सर केवल गुड़िया ही खेलने को दी जाती है, गुड़िया खेलने को दी जाती है, गुड़िया के कपड़े खेलने को दिए जाते हैं। तो धीरे धीरे एक तरह से उनका हम उनको ये भी बताते जाते हैं उन खिलौनों के माध्यम से कि एक बालिका के रूप में क्या होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से इस पर विवाद हो सकता है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रचलन में अभी भी बहुत सारे घरों में यही है। आप बच्चों को देख लीजिए, जो अगर घर में लड़के हैं, छोटी आयु के लड़के हैं, लोग उनको कार देते हैं, कुछ जगह उनको बंदूकें भी देते हैं खिलौने की, नहीं देनी चाहिए।
नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होती है बच्चों को। बहुत छोटी आयु के बच्चों को बंदूक जैसे खिलौने नहीं देने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उनमें उनकी मांग उठ जाती है। तो बच्चे खिलौने तो मांगते हैं, क्या खिलौना देना है ये हमें तय करना है। एक और लक्षण होता है इस आयु का, इस आयु में बच्चों में उत्सुकता बहुत होती है, हर चीज को पूछते हैं, कुछ जानने की उत्सुकता होती है। आप कहते हैं ना, इस आयु में बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा होती है। ऊर्जा इसलिए होती है क्योंकि उनके सामने दुनिया खुल रही होती है, उनकी आंखों के सामने नए अनुभव आ रहे होते हैं, उनका मस्तिष्क बहुत तेजी से विकसित हो रहा होता है, तो उनमें हर नई चीज को जानने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो बहुत उत्सुक होते हैं हर चीज को जानने के लिए। इस आयु के बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति भी बहुत तीव्र होती है। जब हम अनुकरण की प्रवृत्ति की बात करते हैं, तो अनुकरण की प्रवृत्ति से हमारा अर्थ है कि इस उम्र में बच्चे माता पिता जो करते हैं, अध्यापक जो करते हैं, बड़े भाई बहन जो करते हैं, घर में दादा दादी, नाना नानी या जो अन्य परिवार के सदस्य हैं, वो जिस प्रकार से करते हैं वे उसी का अनुकरण करते हैं। वो कैसे खाना खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खांसते हैं। अक्सर लोग मजाक में कहते हैं, दादा कैसे खांसे बताओ। तो बच्चे हर वो अनुकरण की प्रवृत्ति क्यों होती है, क्योंकि बच्चे उस व्यवहार को देखते हैं और वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यदि बच्चों के सामने माता पिता के आपसी विद्वेष के कारण या परिवार में किसी छोटी मोटी घटना या बड़ी घटना पर विद्वेष के कारण जब परस्पर तारतम्यता नहीं रहती, ऊंची आवाज़ में बात की जाती है, एक दूसरे के प्रति यदि थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, बच्चे भी उसको कॉपी कर लेते हैं, उसको देखते हैं, फिर वो अपने समूह में उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए, इस आयु के बच्चों के समक्ष हमें हमेशा सकारात्मक वातावरण देना चाहिए, हमेशा अच्छी बातों की। यदि हमारे बीच कभी कुछ मनमुटाव हो भी जाए, मान लीजिए माता पिता के बीच, तो उन्हें प्रयास करना चाहिए कि उन मुद्दों पर वो तब बात करें जब छोटे बच्चे उनके सामने ना हो, ताकि छोटे बच्चे उनके व्यवहार का अनुकरण ना कर पाएं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ये विद्यालय के लिए तैयारी का समय माना जाता है। इस आयु में बच्चे विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं। विद्यालय जाने से पहले उनमें कौन से कौशल होने चाहिए, कौन सी आदतें होनी चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार उनका होना चाहिए, किन किन अनुकूलनों को उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, उनके अंदर कौन कौन से व्यवहारात्मक, संवेगात्मक और मानसिक स्तर पर क्या क्या उनकी तैयारी होनी चाहिए, ये सारी तैयारी जो है वो पूर्व बाल्यावस्था में हो जाती है। पूर्व बाल्यावस्था के विकास को यदि हम समझने का प्रयास करें, तो पूर्व बाल्यावस्था के विकास के विविध आयामों को हम उनके शारीरिक विकास के संदर्भ में, उनके प्रचलनात्मक विकास के संदर्भ में, उनके भाषा विकास के संदर्भ में, उनके संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, सामाजिक विकास के संदर्भ में और सांवेगिक विकास के संदर्भ में हम उनको समझने का आज प्रयास करते हैं। जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, जन्म से बच्चे का शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है और जन्म से 2 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। उतनी तेजी से शैशवावस्था में विकास नहीं होता। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की दर पूर्व बाल्यावस्था से तेज होती है और शैशवावस्था से अधिक विकास की दर किसी आयु में नहीं होती। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होती है और बाल्यावस्था में सबसे कम होती है। फिर किशोरावस्था में फिर से शारीरिक विकास की दर थोड़ी तेज हो जाती है। एक और अनुपात में भी परिवर्तन आता है। यदि आप शिशु को देखें तो शिशु के शरीर का अनुपात और बालक के शरीर के अनुपात में अंतर होता है। बालक के शरीर में जो सर, धड़ और पैरों का अनुपात है वो लगभग लगभग प्रौढ़ के अनुपात जैसा होने लगता है, जबकि जब बच्चा जन्म लेता है तब ऐसा नहीं होता। तब बच्चे के धड़ और पैरों का लगभग लगभग समान अनुपात होता है, लेकिन बाल्यावस्था में, खासतौर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था में, पैरों का विकास बहुत तेजी से होता है। यदि हम तीनों शरीर के तीनों हिस्सों के विकास के दर की बात करें, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सर के विकास की दर सबसे कम होती है, पैरों के विकास की दर सबसे ज़्यादा होती है और धड़ के विकास की दर मध्यम होती है। अर्थात सर के विकास की दर धीमी, धड़ के विकास की दर मध्यम और पैरों के विकास की दर सबसे तेज होती है। यद्यपि इसमें भिन्नता हो सकती है, परंतु पाठ्यपुस्तकों में और कई जगह लिखा गया है, क्योंकि एक अनुपात है और इस अनुपात का एक औसत निकाला गया है कि लगभग 3 वर्ष की आयु के बच्चे की लंबाई
38 इंच के आसपास होती है। वो 36 इंच भी हो सकती है, वो 40 इंच भी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कारक हैं जो जिम्मेदार होते हैं। लेकिन औसतन एक 3 वर्ष के बच्चे की लंबाई लगभग 38 इंच और वजन 12 से 14 किलोग्राम का होता है। लड़कियों के विषय में कहा जाता है कि बालिकाएं इस आयु में औसत ऊंचाई में थोड़ी कम और वजन में भी थोड़ी कम होती हैं लड़कों की तुलना में। वहीं 5 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे की लंबाई लगभग 43 से 45 इंच के आसपास हो जाती है और उसी अनुपात में उसका वजन भी बढ़ करके 16 से 18 किलो के बीच हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे की लंबाई और भार कितना होगा ये केवल आयु पर निर्भर नहीं करता, ये बहुत सारे अन्य कारकों पर निर्भर करता है। जैसे जो माता पिता ही लंबे होते हैं, औसतन ये देखा गया है कि उनके बच्चों की लंबाई औसत से ज़्यादा होती है यदि माता पिता की लंबाई औसत से ज़्यादा है, क्योंकि ये आनुवांशिक लंबाई आनुवांशिकता से भी आती है। तो आनुवांशिकता से आने के कारण माता पिता यदि लंबे हैं तो बच्चों की लंबाई तेज़ी से बढ़ती है, यदि माता पिता नाटे हैं तो बच्चों की लंबाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। साथ ही लंबाई और भार पर खान पान और पोषण का प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चा ऐसे परिवार से आता है जहाँ के माता पिता रोज़ मजदूरी करते हैं, अपने लिए दैनिक भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, केवल सामान्य भोजन दे पाते हैं, कुछ परिवारों में शायद भोजन उनको पूरा मिल भी ना पाता हो, या जहाँ बीमारियाँ हों, ऐसे बच्चों की लंबाई और भार उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। लेकिन जिन परिवारों में बच्चों को उचित पोषण दिया जाता है, पोषक आहार समय समय पर दिया जाता है, जिन प्रकार के पोषक आहारों की आवश्यकता है, जैसे प्रोटीन की अधिक आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिक आवश्यकता है, फैट की आवश्यकता है, तो जिनको ये पोषक भोजन सभी तत्वों से युक्त भोजन दिया जाता है, ऐसे बच्चों की लंबाई और भार भी ठीक प्रकार से बढ़ता है। और यदि बच्चे स्वस्थ रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है, लगातार वो दवाइयों पर नहीं रहते हैं, तो उनका शारीरिक विकास ठीक प्रकार होता है। ऐसा नहीं होता कि शारीरिक विकास में केवल जो हमें विकास दिखाई दे रहा है वही विकास होता है, शरीर के अंदर अंगों में भी तेजी से विकास होता है। तो लंबाई और भार के साथ साथ बच्चों के बाह्य शारीरिक विकास और अंतः शारीरिक परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ने के साथ बच्चों की जो मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों में भी वृद्धि तीव्र गति से होती है। बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में मांसपेशियों में वृद्धि की दर बहुत तीव्र होती है। साथ ही यदि आप हृदय गति की बात करें तो हृदय गति जन्म के समय जितनी होती है, धीरे धीरे हृदय गति उससे कम होने लगती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। आप देखें जन्म के समय 150-160 हृदय गति होती है और हमारी हृदय गति 78-80-82 तक होती है। तो 80-82 भी बच्चे की नहीं होती और 160-170 भी बच्चे की नहीं होती, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, लगभग किशोरावस्था तक आते आते, प्रारंभिक किशोरावस्था तक आते आते बच्चे की हृदय गति प्रौढ़ के बराबर हो जाती है। रक्तदाब भी धीरे धीरे बच्चे का बढ़ने लगता है क्योंकि रक्त की मात्रा बढ़ती है, रक्त केशिकाएँ बढ़ती हैं, तो उसी शरीर में अलग अलग अंगों तक रक्त पहुँचता है। प्रत्येक जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे रक्त को ज़्यादा दूर तक पहुँचाने की आवश्यकता होती है, इसलिए रक्तदाब भी बच्चे का आयु के साथ बढ़ता चला जाता है। शारीरिक विकास से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस आयु में बच्चों के मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है। ये कहा जाता है कि एक प्रौढ़ का जितना मस्तिष्क होता है उसका लगभग 90% मस्तिष्क इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में 6 वर्ष की आयु से पहले ही विकसित हो जाता है। मस्तिष्क का विकास सबसे तेजी से अगर किसी आयु में होता है तो वह प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा चालन कौशलों की बात है, प्रचलन कौशलों की बात है। देखिए चालन विकास जो है वह बच्चों में विभिन्न प्रकार के चालन कौशल विकसित होते हैं। जैसे 5 से 6 वर्ष तक की आयु तक आते आते बच्चे बहुत सारे काम खुद करने लगते हैं। कौन से काम? जैसे अपने कपड़े पहनना, अपने बटन लगाना, अपना मुंह धोना, अपने हाथ पैर साफ रखना, अपने नित्य कर्मों के बाद अपने हाथों की स्वच्छता रखना, अपने कपड़ों को ठीक जगह रखना। तो धीरे धीरे ये जो चालन कौशल का मतलब केवल गतिक कौशलों से नहीं है, केवल चलने फिरने से नहीं है, चालन कौशल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारे चालन कौशलों का विकास इस आयु में होता है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर तालिका दी हुई है, यदि आप इस तालिका को देखें और आप एक
क्रम देखें। यदि चालन विकास की बात हो तो 2 वर्ष का बच्चा बिना सहायता के चलना प्रारंभ कर देता है, थोड़ा दौड़ना शुरू करता है और अपनी जगह उछलना प्रारंभ करता है। 1 वर्ष तक आते आते वो होपिंग शुरू कर देता है, होपिंग मतलब छोड़ छोड़ कर उछलना या जंपिंग शुरू कर देता है, कूदना। 4 से 5 वर्ष का बच्चा मुक्त गति किसी भी दिशा में जा सकता है, उसका अपनी गति पर नियंत्रण होता है, वह नृत्य करना शुरू कर देता है, संगीत पर प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। जिस प्रकार का संगीत हो आप उसी प्रकार के बच्चे को चाल ढाल सिखा सकते हैं। तो नृत्य सीखने के लिए भी ये आयु बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसी आयु में बच्चे अक्सर नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं और सीखना भी प्रारंभ करते हैं। विशिष्ट चालन समन्वय, जैसे 2 वर्ष का बच्चा केवल नकल करता है, कॉपीइंग करता है, लेकिन जब बच्चा 3 साल का होता है, यदि आप उसको विभिन्न प्रकार की आकृतियां दे दें तो वह यह बता सकता है कौन सी आकृति समान है और कौन सी आकृति भिन्न है। 4 से 5 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चा रंगों के नाम बताना प्रारंभ कर देता है, उसमें प्रत्यक्षीकरण की भाव भी विकसित होने लगते हैं, वो अपनी पहचान बताने लगता है, रंगों को मिलाने लगता है। आप उसको जाल दे दें, शब्द जाल दे दें, वो शब्द जाल में वो खोजने लगता है शब्दों को। अगर आप उसको अलग अलग आकार के बॉक्स दे दें और उनसे कोई आकृति बनवानी हो तो वो आकृतियाँ मिलाने लगता है, उन नामों में अंतर खोजने लगता है। इस प्रकार के विकास होते हैं और ये सारे विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही होते हैं। अनुकूलनात्मक व्यवहार भी होते हैं, जैसे 2 वर्ष का जो आयु होती है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु है, वो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चे का अपने मलत्याग पर धीरे धीरे नियंत्रण होता है, छोटे बच्चे का नहीं, तो शैशवावस्था में नहीं होता, न मूत्र त्याग पर होता है ना मलत्याग पर होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा 2 वर्ष और उससे बड़ा होना शुरू होता है उसका मलत्याग पर नियंत्रण होने लगता है, उसको कब जाना है, कहाँ जाना है, इन सब के लिए जो प्रशिक्षण देना चाहिए माता पिता को, उसके लिए सबसे अच्छी आयु होती है। और जिन बच्चों को मलत्याग का, मूत्र त्याग का प्रशिक्षण इस आयु में नहीं दिया जाता, कई बार बड़े होकर वे बच्चे इस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। साथ ही हस्त, जो उंगलियों का प्रचलन है, इनका भी अनुकूलन होने लगता है, उंगलियों पर नियंत्रण होने लगता है, बच्चा मनुष्य की आकृतियां बनाने लगता है, और बड़ा होता है तो वह आकृति के साथ साथ न केवल आकृति बनाता है, उसके छोटे छोटे अंग भी बनाने लगता है, प्रत्येक अंग का वर्णन भी बताने लगता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें बाल्यावस्था में और खासतौर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था में, 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, ये जो विकास के महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको नकारा नहीं जा सकता, ये सारे इसी आयु में विकसित होते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है इस आयु में, वो है भाषा का विकास। 1 वर्ष का बच्चा धीरे धीरे एकाध शब्द बोलना शुरू करता है। शैशवावस्था में बच्चा वाक्य नहीं बोलता, शब्दावली विकसित नहीं करता, शैशवावस्था में बच्चे का भाषा विकास बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन भाषा विकास में जो घरेलू परिवेश है वो बहुत मदद करता है। यदि बच्चे का घरेलू परिवेश अच्छा है, खासतौर पर ऐसे बच्चे जिनको परिवार के सदस्यों से अंतःक्रिया के अवसर मिलते हैं इस आयु में, ऐसे इसीलिए देखा गया है कि वे परिवार जहां अधिक सदस्य होते हैं, खासतौर पर संयुक्त परिवार, वहां बच्चों का भाषा विकास तेजी से होता है, क्योंकि भाषा अंतःक्रिया से विकसित होती है। विगोत्स्की भी यही कहते हैं संरचनावाद में कि अंतःक्रिया के अवसर मिलने से ही भाषा विकास होता है, चाहे वह अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया हो, माता पिता के साथ अंतःक्रिया हो, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया हो। तो इस आयु में बच्चों को अंतःक्रिया के अवसर प्रदान किए जाते हैं और बच्चों को खेलने के अवसर जितने आप देते हैं, भाषा विकास उतना अच्छे तरह से होता है। साथ ही बच्चे शब्दावली का निर्माण सीख जाते हैं, वाक्य बनाना सीखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इस उम्र में बच्चे थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, सामान्य से अधिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अधिक? क्योंकि एक तो उनकी ऊर्जा होती है, दूसरे वो बोलना सीख रहे होते हैं, तीसरे उनकी शब्दावली बहुत तेज़ी से विकसित हो रही होती है। जैसे कि इस तालिका में हमने दिखाने का प्रयास किया है कि 2 वर्ष की आयु तक बच्चे के शब्दकोश में लगभग 272 शब्द होते हैं, 3 वर्ष तक होते होते ये शब्दकोश लगभग 4 गुना हो जाता है, 896 शब्द हो जाते हैं। 4 वर्ष की आयु 1 वर्ष में फिर 2 गुना हो जाता है, लगभग 1500 शब्द आ जाते हैं। और 6 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे के शब्दकोश में 2500 शब्द एकत्र हो जाते हैं। जब इतने सारे शब्द होते हैं, उन शब्दों से वाक्य बनते हैं। वो वाक्य कब बनते हैं? जब उन्हें वार्ता के अवसर मिलते हैं। यदि बच्चों को वार्ता के अवसर नहीं मिलते तो फिर
बच्चों को नहीं मिलता है अवसर विकास का। बौद्धिक विकास की यदि हम बात करें तो बच्चों की अवधान क्षमता विकसित होने लगती है, पर्यावरण के प्रति रुचि विकसित होने लगती है, बच्चे भाषा में संकेतों का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं, बच्चे अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़े हुए प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देते हैं, बच्चे सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास बहुत तेजी से होता है। सामाजिक विकास के यदि आयामों की बात करें तो बच्चे में अपने परिवेश के प्रति विश्वास और अविश्वास दोनों विकसित होने लगते हैं। दोनों विकसित होने से मेरा तात्पर्य है कि जो बहुत छोटा बच्चा होता है वो सबके प्रति विश्वास रखता है। आपने देखा, दो वर्ष का बच्चा सबको प्रिय होता है, वो सबके पास जाता है, वो किसी के प्रति अविश्वास नहीं रखता। लेकिन दो साल से छः वर्ष की आयु तक आते आते बच्चा ये जानने लगता है कि उसे किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चे में स्वायत्तता का भाव विकसित होता है कि मैं स्वयं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से कुछ खोज सकता हूँ। और क्योंकि बच्चे का जो सामाजिक वातावरण है इस आयु में, वो घर से परे हो जाता है, घर के बाहर फैल जाता है, केवल घर तक सीमित नहीं रहता, पास पड़ोस, संगी साथी। और एक चीज़ है, इस आयु में बच्चे लड़के और लड़की का भेद नहीं करते, वे सब आपस में मिलकर खेलते हैं, बिना किसी विभेद के खेलते हैं। ये बाल्यावस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अंत में हम सांवेगिक विकास की बात कर लें। इस आयु में बच्चों के संवेग बहुत तात्कालिक होते हैं और वे अपने संवेगों का प्रदर्शन मूर्त वस्तुओं के साथ करते हैं। जैसे उन्हें कोई खिलौना पसंद है, यदि आप उनसे खिलौना ले लेंगे तो वो रोने लगेंगे, आप उनको टॉफ़ी दे देंगे वो तुरंत हंसने लगेंगे। अर्थात इनके संवेगों में स्थायित्व तो थोड़ा कम होता है, संवेग अस्थायी होते हैं और तेज़ी से बदलते हैं। लेकिन एक चीज़ है, इस आयु में व्यवहार कैसा भी हो संवेग तीव्र होते हैं, उनको अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं आता। वो रोएंगे तो तेज ही रोएंगे, फिर वो धीमे रोना, मुनमुनाना, वो सब बाद में होता है, आगे बढ़कर बच्चे सीखते हैं, इस आयु में बच्चे नहीं सीखते। और एक महत्वपूर्ण बात, इस आयु के बच्चे बहुत निश्चल होते हैं, वे अपने संवेग छुपा नहीं पाते। उन्हें यदि कोई चीज़ पसंद आती है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, यदि उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम आज के इस पूरे सत्र में हमने ये प्रयास किया कि हम बालक की प्रारंभिक बाल्यावस्था के विभिन्न प्रकार के विकास के आयामों, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास आदि के विषय में एक शिक्षक के नाते आपको थोड़ा परिचित कराएं, ताकि जब बच्चा आपके समक्ष आए और यदि आपको उस बच्चे में कोई समस्या नज़र आए तो आप ये जान सकें, ये समझ सकें, या ये जानने का प्रयास करें कि ये समस्या बालक के विकास के किस आयाम के पूरे ना होने की वजह से आई होगी, ताकि उस पर बल दिया जा सके। मुझे आशा है कि आज की ये परिचर्चा आपको अपने विद्यालय में आने वाले बच्चों को और उनके बैकग्राउंड को, उनके पूर्व में वो कैसे रहे हैं, उस सब को सीखने में, समझने में मदद करेगी। आपने मेरी इस परिचर्चा को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।